अग्रसर है और कदम बढ़ते जा रहे हैं। हर बढ़ते कदम के साथ खिलाड़ी अपनी मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। खिलाड़ियों की एकता में बुलंद हो रही ये आवाज सरकारी महकमों में 3% कोटे के लिए है। ये खिलाड़ी सरकार से सभी विभागों में 3% कोटा देने की मांग कर रहे हैं। सभी खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया है, सभी गेमों के खिलाड़ी हैं, क्योंकि हरियाणा सरकार ने जो कोटा बहाल कराया दोबारा है वो सिर्फ 2 डिपार्टमेंटों में किया है। कोटा का मतलब होता है सभी डिपार्टमेंटों में भर्ती होना। हरियाणा पुलिस की भर्ती किसी खेल कोटा नहीं है, तो ये खिलाड़ियों साथ अन्याय है। सरकार को जगाने के लिए आज काम कर रहे हैं और आगे भी प्रदर्शन जारी रहेगा। खेल नीति थी पुरानी, उसमें बदलाव करके खिलाड़ियों को नौकरी देना बिल्कुल बंद कर दिया है। खास करके हरियाणा पुलिस में जितनी भी वैकेंसी निकली है किसी में भी खिलाड़ियों के लिए नौकरी का कोटा नहीं दिया गया है, और दूसरे विभागों में भी ऐसी अड़चने लगा दी गई हैं ताकि खिलाड़ी नौकरी ले ना सके। खिलाड़ियों का खेल कोटा जो 3% था वो बहाल कर दिया गया है। उस ट्वीट के बाद भी ये सरकार नौकरी नहीं दे रही है, ये एक बहुत निंदनीय बात है। खिलाड़ियों का कहना है कि उन्हें 3 विभागों तक सीमित कर देना जायज नहीं है। सभी खिलाड़ी भाइयों के लिए मैं ये मांग करने के लिए आया हूँ कि खिलाड़ी भाइयों को सभी को खेल कोटा की तरफ से आगे बढ़ाएं और जो खेल कोटा की तरफ से मांग करते वो पूरी करें। खिलाड़ियों की ये मांग नई नहीं है, इससे पहले खिलाड़ी पंचकुला में फूल लेकर अपना प्रदर्शन कर चुके हैं और सरकार से निवेदन कर चुके हैं कि उनके लिए सभी महकमों में कोटे को बहाल किया जाए। सूर्य समाचार के लिए भिवानी से इंद्रवेश दुहन की रिपोर्ट।